हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू विंगचेडा। प्रॉफिटेबल ट्रेड ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो पर हमारे सॉफ्टवेयर विंगचेडा की तरह आपको बढ़िया जो ट्रेड होते हैं आप ही के सामने बिना टाइम गवाए आपको मिल जाएगा। पर इसमें कैसे, कहाँ से और कौन सी पॉइंट में एंट्री लेना, कौन से स्टॉक में आपको लेना चाहिए और कौन सी पॉइंट में आपको एंट्री ले सकते, ये सारा डिटेल्स आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। और इसमें इंट्राडे कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, पोर्शनल कोई भी ट्रेड होता है तो आसानी से आपको ले सकते हैं। और कैसे करना है और कहाँ से करना है और किस तरह कौन से पॉइंट में एंट्री ले सकते हैं, सब जानने के लिए वीडियो एंड तक वॉच कीजिए। मैं सीमा कृष्णा आज की लाइव परफॉर्मेंस में मैं आपको इन्वाइट कर रही हूँ। किसी को डेमो चाहिए तो मेरा नंबर में कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगी। ओके, तो साथ में हमारा हिंदी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो आप तक पहुँचा सके। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जो कुछ भी वीडियोस हम यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ, यहाँ पे रिलीज कर रही हूँ, ये सब आपको आसानी से मिल जाएगा। ओके, तो इसमें से आप देख सकते हो आज के बढ़िया ट्रेंड में देखिए, एशियन पेंट्स, अडानी पोर्ट्स, अडानी ENT, सब कुछ वन साइड मोमेंट था। और साथ में माइंडट्री में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला है और डॉक्टर रेड्डी में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला। ये सब आप मैंने तो यानी कि जो एग्जैक्ट टाइमिंग में मैंने एंट्री डाले थे यहाँ पे क्लाइंट को, हमारे क्लाइंट्स को मिल गया था। पर इसमें से कैसे, तो ये सब जानने के लिए तो आप वीडियो वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सॉफ्टवेयर इंटर की स्कैनर थ्रो। स्कैनर में क्या होता है, जो मेन डेली हमारा मैंने जो स्टॉक बोलते हमेशा, तो आप ये स्टॉक लिस्ट हमारा सॉफ्टवेयर इंटर की वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे तो आसानी से जो परफेक्ट टाइमिंग में, तो आपको करेक्ट टाइमिंग में यहाँ पे स्कैनर आइडेंटिफाई करके आपको देगा, परफेक्ट अलर्ट भी मिल जाएगा। साथ में स्कैनर में यहाँ पे आर्यो कंफर्मेशन भी हमारा सॉफ्टवेयर देगा। तो यानी कि परफेक्ट टाइमिंग में, परफेक्ट जो मोमेंट में अलर्ट मैसेज भी मिल जाएगा और साथ में स्कैनर भी आइडेंटिफाई करके आपको देगा। तो ऐसे सिग्नल पकड़िए जो परफेक्ट एग्जैक्ट जो आर्यो 3 आर्यो कन्फर्म्ड हो, तो वैसा पॉइंट पकड़िएगा। ओके, तो इसमें से उसी के अलावा तो आपको आज की बड़ा एशियन पेंट्स का ट्रेंड दिखा रही है, तो यहाँ पे आप वॉच कीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो एशियन पेंट्स में यहाँ पे आप देख सकते हो आज की डेब्रेक लाइन, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ है तो टोटली 2 सिग्नल मिला था। मॉर्निंग में एक सेल मिला था और उसके बाद एक बाई अप्रोक्सीमेट दिया था 11:20 के अंदर। लेटेस्ट सिग्नल का जो भी डिटेल्स यहाँ पे आपको ऊपर लिख रहा है, तो इसका जो कुछ भी बाई और सेल, यानी कि ये सेल सिग्नल है, ये बाई है, तो ये दोनों आते हैं तो आपको अलर्ट मैसेज, यानी कि अलर्ट मैसेज आ जाएगा बेल साउंड के साथ, वो भी करेक्ट एग्जैक्ट टाइमिंग में आपको अलर्ट मैसेज मिलते रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कुछ भी अलर्ट आते हैं, साथ में रीएंट्री आते हैं, अडानी पोर्ट्स में रीएंट्री टारगेट भी हिट हो गए, सब कुछ आपको मैसेज के थ्रू तो आसानी से मिल जाएगा। साथ में जो कुछ भी लेटेस्ट सिग्नल जो बनते हैं उसका डिटेल्स आपको ऊपर नीचे मिलेगा, एंट्री पॉइंट, टाइमिंग, डेट और साथ में फर्स्ट टारगेट, सेकेंड, थर्ड टारगेट और साथ में स्टॉप लॉस भी। यानी कि तो जब सिग्नल कंफर्म्ड हो एंट्री लेने का, कंफर्म नहीं है तो यानी कि वहां से एंट्री नहीं लेना चाहिए, वेट कीजिएगा। मॉर्निंग में जो सेल यानी कि डाउन से ओपन हुए थे एक सेल, तो वहां से कंफर्म नहीं था क्योंकि कैंडल तो रेड हो चुकी थी, तो नीचे का जो हमारा कंफर्मेशन बार की कड़त वहां पर ग्रीन थे, तो इसके लिए वहां से रिस्की था, तो उस सिग्नल लेने के लिए सॉफ्टवेयर ने मना किया था क्योंकि वहां पे जब कंफर्म हो तभी लेने, कंफर्मेशन चेक करने के लिए 3 लेवल आपको चेक करने पड़ेगी। कैंडल कलर यानी कि सेल दे रही हूँ, नीचे भी रेड होना चाहिए और नीचे का जो पट्टी जैसे ये बार दिख रहा है, ये कंफर्मेशन बार की कलर भी रेड होना चाहिए, साथ में यहाँ पे प्राइसिंग सेल जोन भी, ये तीनों साथ में कंफर्म्ड हो दूसरी कैंडल में एंट्री ले लेना। तो यहाँ पे बाई का कंफर्म्ड है, बाई यहाँ पे कैंडल भी कलर ग्रीन हो चुका है, नीचे भी ऑलरेडी ग्रीन है और प्राइसिंग बाई जोन भी, जब बाई सिग्नल आया था तब ऑलरेडी चेक कंफर्म चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, तब वहां से आपको तुरंत एंट्री ले सकते हो। ओके, तो आज टोटली देखिए तो अप्रोक्सीमेट हमने 30 पॉइंट्स के हिसाब से काफ़ी अच्छे पॉइंट हासिल किया एशियन पेंट्स में। साथ में अडानी पोर्ट्स भी देख लीजिएगा, अडानी पोर्ट्स वन साइड मोमेंट है, तो अभी तक कल की बाई के कंटिन्यूएशन जा रहे हैं। टोटली अप्रोक्सीमेट यहाँ पे देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट 35 पॉइंट्स के हिसाब से हासिल किया है। तो आज की एंट्री हमने लिया था यहाँ से रेसिस्टेंस ब्रेक किया था, तब वहाँ से एंट्री ले सकते थे, तो यहाँ पे आप वॉच कीजिएगा। तो बाई मॉर्निंग से जो ज़्यादा मॉर्निंग में आप ऊपर नहीं गए थे मार्केट, तो यहाँ से छोटा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ से डाउन आकर फिर से रेसिस्टेंस यहाँ से ब्रेक किए थे, तो आपको एंट्री लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे
तो यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट यहाँ पे बने थे, ओके। तो री एंट्री भी आई द अप्रोक्सीमेट कितना भी मार्केट ऊपर जाते कंटिन्यूएशन चल रही है तो री एंट्री देगा, सिग्नल कंटिन्यूएशन का री एंट्री या साइड बॉक्स में आपको मिल जाता है। तो आज टोटली 3 एंट्री यहाँ पे अडानी पोर्ट्स में बन सकते थे, कंटिन्यू भी कर सकते थे। और यहाँ पे आप वॉच कीजिए मॉर्निंग, यहाँ से एंट्री लेकर हम यहाँ पे देख लीजिएगा अप्रोक्सीमेट हमने 837 से लेकर 843 में एक्सिट किया था, दोबारा हमने एंट्री लिया था यहाँ पे 840 में, 40 से लेकर मार्केट 54 में एक्सिट किया था, दोबारा फिर से ब्रेकआउट यहाँ पे बने थे अप्रोक्सीमेट 54 में, 54 से लेकर अभी 67 तक मार्केट गए थे। यानी कि टोटली देखूंगी तो आराम से हमें बढ़िया प्रॉफिट आज हम अडानी पोर्ट्स में ले सकते थे, कंटिन्यू भी कर सकते थे सिग्नल का, क्योंकि बढ़िया मौका था अडानी में, ओके। तो साथ में अडानी एंटरप्राइज भी देख लीजिएगा, एंटरप्राइज में भी मॉर्निंग में सेल भी आए थे और सेल कंफर्म हो चुकी थी, जस्ट कंफर्म हुए थे तो वहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। ऐसे ऐसे रिवर्सल अवॉइड करने के लिए मैं आपको बता रहा था, तो हमेशा रेसिस्टेंस भी ब्रेक करने का मोमेंट पकड़िए, हमेशा जो कंफर्म होने के बाद दूसरी कैंडल में एंट्री लेने के बजाय तो आप थोड़ा सा वेट करके मार्केट रेसिस्टेंस ब्रेक कर रहे क्या देख के एंट्री लीजिएगा, ओके। तो अगर दूसरा एंट्री लेंगे तो भी आप दोबारा मार्केट फिर से ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा तो वहाँ पे कट कीजिएगा, क्योंकि पोर्शन रिस्की है, ओके। तो इसमें भी ऐसे बाई सकल अप्रोक्सीमेट हमने 1120 को ही दिया था, तो वहाँ से ऑलरेडी कंफर्म थे तो आपको तुरंत ले सकते थे, बढ़िया मौका था। टोटली देखिए 200 पॉइंट काफ़ी ऊपर जा चुकी थी, भले ऑप्शन है फ्यूचर है कैश लेना है तो भी बढ़िया मौका था दोनों हाथ से, क्योंकि बढ़िया प्रॉफिट लेके निकल सकते थे। परफेक्ट एक ट्रेड या दो ट्रेड काफ़ी है, तो काफ़ी अच्छा पॉइंट डेली अप्रोक्सीमेट 5000 रुपीज़ हासिल करने के लिए बहुत बढ़िया मौका है, ओके। तो लास्ट में जो आई हुई है री एंट्री भी अच्छी हो चुकी थी इसमें, ओके। तो सेम माइंट्री में भी देख लीजिएगा, माइंट्री में यहाँ पे आप देख सकते हो माइंट्री में गैप डाउन ओपन हुए थे, गैप डाउन में यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी नीचे मार्केट गई थी मॉर्निंग से, उसके बाद बाई दिए थे अप्रोक्सीमेट मार्केट यहाँ से देख सकते हो रेसिस्टेंस ब्रेक हो चुकी थी 3477 से ज़्यादा ऊपर नहीं गए थे 87 तक जाकर 10 पॉइंट हासिल होकर वहाँ से मार्केट रिवर्स हो गए थे। और सेल दिया है अभी पर कंफर्म नहीं है, क्योंकि नीचे का हमारा वॉल्यूम बार सिर्फ वही मोमेंट है यानी कि बाई में ही दे रहे हैं अभी, क्योंकि सेल लेना रिस्की है अभी बोल रहा है, कंफर्म होने तो उसके बाद ले लेने का। सेम डॉक्टर डी वी एस आई कंटिन्यूस गैप डाउन के बाद काफ़ी नीचे मार्केट गई थी, तो यहाँ से आप देख सकते हो जो गैप डाउन के बाद सपोर्ट लेवल यहाँ से थोड़ा था तो ये पोजिशन में ले सकते हैं। अप्रोक्सीमेट हमने लिया था 4575 से लेकर अभी 4747 तक मार्केट गए थे, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला था, उसके बाद दोबारा मार्केट ने फिर से सेल दिया था, वो मिनिमम 5 पॉइंट्स के हिसाब से हासिल किया, ज़्यादा नीचे नहीं गए थे मार्केट, वहाँ पे वही रेट में अटका था, ओके। और उसी के अलावा तो आज की क्रूड ऑयल का मोमेंट वॉच कीजिएगा, 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम सेट किया है तो यहाँ पे आप वॉच कर सकते हैं। क्रूड ऑयल में आज वन साइड मोमेंट, अभी तक तो वन साइड मोमेंट है, तो काफ़ी अप्रोक्सीमेट काफ़ी अच्छा पॉइंट मिला है मॉर्निंग में, तो यहाँ पे देख सकते दूसरी कैंडल हमने पोजीशन बनाए थे 7384 से लेकर अभी मार्केट अभी 7467 तक गए थे अप्रोक्सीमेट, हमने 50 पॉइंट्स के हिसाब से हासिल किया, दोबारा डाउन आकर फिर से ऊपर जा रही हो, तो दो टारगेट तो अचीव किया है, तीसरे टारगेट अभी पेंडिंग है, ओके। फिर से ऊपर जा रही हो, दोबारा एंट्री लेना है तो तीसरे टारगेट लगाइएगा और स्टॉप लॉस भी लगाइएगा और आपको आराम से ले सकते हो, बढ़िया मौका है, ओके। तो साथ में आज की गोल्ड का भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, गोल्ड में यहाँ पे आप देख सकते हो वन साइड मोमेंट अभी तक दे रही हो, तो यहाँ पे देख लीजिएगा बाई सिग्नल अप्रोक्सीमेट आए थे हमने 1:30 का टाइम फ्रेम सेट कीजिएगा, 1 बजे आए थे तो रेसिस्टेंस ब्रेक करते अप्रोक्सीमेट 7:30 बज चुकी थी 7:30 और 1636 से हमने एंट्री लिया था 36 से लेकर 50 तक मार्केट, काफ़ी अच्छा मौका हमें मिला है आज प्रॉफिट अर्न करने का। साथ में मैं आपको सिल्वर का भी परफॉर्मेंस दिखा रही हूँ, सिल्वर में यहाँ पे देख लीजिएगा हमेशा 15 मिनट का चार्ट फॉलोअप करना चाहिए, 15 मिनट्स में बढ़िया एक्यूरेसी है 5 मिनट्स के बदले, तो 5 मिनट्स सिर्फ स्कैल्पिंग में इस्तेमाल कर सकते हो और 15 मिनट हमेशा सेट कीजिएगा, 15 मिनट में ही एक्यूरेसी 15 मिनट में देख लीजिएगा। अभी तक मार्केट ने वन साइड मोमेंट दिया है क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए जो कल की बाइकी, तो यहाँ पे नीचे देख रही हूँ कल की बाइकी कंटिन्यूएशन आज दे रही हूँ, टोटली कल काफ़ी डाउन हो चुकी थी अप्रोक्सीमेट कल, तो 7:15 में जो बाई दिए थे उसका कंटिन्यूएशन आज रेसिस्टेंस यहाँ से ब्रेक किए थे वहाँ से काफ़ी ऊपर गया है,
ओके बढ़िया मौका था अर्न करने का। सेम गोल्ड भी दिखाएंगे, गोल्ड कमोडिटी मार्केट की गोल्ड, गोल्ड में हमेशा गोल्ड और सिल्वर में हमेशा 15 मिनट्स कमोडिटी मार्केट में रखिएगा, तो वही बड़ी एक्यूरेसी है क्योंकि वही अच्छा सिग्नल भी देते हैं। और 5 मिनट्स ऐसा नहीं है, 5 मिनट्स रख नहीं सकते, परफाई रख सकते हो तो परफाई से बेटर है 15 मिनट्स। ओके 50 यहाँ पे देख लीजिए, सेम इसमें भी बाइक का कंटिन्यूएशन है दे रही हो। लेटेस्ट सिग्नल जो अप्रोक्सीमेट 8:30 बजे दिए थे उसका कंटिन्यूएशन 263 पॉइंट्स अभी तक हासिल किया है हमने। ओके तो यहाँ से नीचे देख सकते हैं, नीचे बाइक सिग्नल ऑलरेडी आया हुआ है। तो ऐसे सेम आपको सब मार्केट में सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो। किसी को डेमो सेम मिल चाहिए तो मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको गाइड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।